बेटे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया था ना, एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया था। अब आज हम लोग एक नए टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। नया टॉपिक है क्या, वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल की जीरोज को फाइंड करना। देखो जीरोज क्या है, एक तरीके का ऐसा सोल्यूशन या एक तरीके की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको किसी पॉलिनोमियल में रखने पर, जिसको उसी पॉलिनोमियल में रखने पर हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल जाए, ठीक है। तो वो डिजिट क्या होगी, वो डिजिट होगी गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस, ठीक है। एक तरीके से हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, अभी समझो इसको, एग्जांपल समझो, जैसे आपके सामने दे रखा है ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 5x³ - 2x² + 3x - 2, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपको चार एग्जाम्पल दे दिए गए, सॉरी चार ऑप्शन दे दिए गए। जैसे पहला दे दिया गया ए इज इक्वल टू -1, बी बी -2, सी 4, D 1, ठीक है। अब पूछा गया कि बेटे ये पॉलिनोमियल यहां पर शो कर रहा है, लिखा हुआ है, जो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी डिजिट है जो पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरोस होगा, ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देखो जीरोस वही वैल्यू होगी इन चारों में से, ठीक है, वही एक वैल्यू होगी इन चारों में से जिनको, जिसको उठाकर एक्स की जगह पर पुट करने पर हमें जीरो मिल जाए। क्या मिल जाए, जीरो, जीरो डिजिट, जीरो मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग जो है यहां पर वन बाय वन वैल्यूज को रखेंगे और चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा वो सोल्यूशन है जो इसके लिए जीरोज का काम करेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया, 5x³ - 2x² + 3x - 2, ये लिखा हुआ है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने वन उठा लिया, ठीक है, मैंने ऑप्शन डी उठा लिया, और मैंने क्या किया यहां पर डी की वैल्यू, सॉरी जो डी ऑप्शन में दिया वन, उसको पुट करना शुरू किया, ये, ठीक है। तो बेटे कितना आ जाएगा, 5 - 2 + 3 - 2, 5 3 8, 8 - 2 - 2 4, यानी कि 4। लो बेटे यहां तो 4 आ गया, जीरो नहीं मिला। जब जीरो नहीं मिला, इसका मतलब क्या है कि जो वन है, वन जो है गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरोस नहीं होगा, मतलब वन इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, एक्स की वैल्यू वन नहीं हो सकती है, ठीक है। वैल्यू वही होगी जो यहां पुट करने पर हमें क्या दे दे, जीरो दे दे, ठीक है। वही वैल्यू उसकी जीरोस कहलाएगी, वही वैल्यू उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, वही वैल्यू एक्स की भी वैल्यू कही जाएगी, ठीक है। चलो अब एक अगला ऑप्शन उठाते हैं। जैसे मान लो मैंने -2 ले लिया, अगर हम -2 ले लें तो लिखा हुआ है 5x³ - 2x² + 3x - 2। अब मैंने क्या किया, मैंने बी की वैल्यू -2 को पिक कर लिया, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, -2 का होल क्यूब -2 का होल स्क्वायर - 2 - 2, ठीक है। अब देखो यहां -2 का होल क्यूब करेंगे तो बेटे -8 हो जाएगा, ठीक है। -8 × 5 = -40। यहां देखो बेटे -2 का स्क्वायर कितना होगा बेटे, 4, 4 × 2 = 8, +3 × 2 = 6, और -2। बेटे यहां सारे माइनस के आ रहे हैं, ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे, तो ये तो मानी बात है कि हमें यहाँ जीरो तो नहीं मिल सकता है। क्यों, क्योंकि -40 और 8 -48, और -48 और -6 कितना हो जाएगा बेटे, -54, और -54 और 2 कितना हो जाएगा बेटे, -56। तो बेटे हमें फिर से जीरो नहीं मिला। इसका मतलब क्या, इसका मतलब -2 भी गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरोस नहीं होगा, मतलब इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, सॉल्यूशन वही वैल्यू होगी जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे रखने पर और सॉल्व करने पर हमें जीरो दे दे, हमको क्या हो जाए, जीरो गेट हो जाए, जीरो मिल जाए, ठीक है। चलो अब क्या, हम लोग जरा -1 रखते हैं, -1 रख के देखते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था बेटे, 5x³ - 2x² - 2x² + 3x - 2, यही तो था ना। अब अगर बेटे इसमें देख लो, इसमें अगर हम -1 रख दें बेटे, कितना -1 रख दें, -1 रख दिया बेटे, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 आ जाएगा बेटे, -(-+)2 आ जाएगा, और यहां देखो बेटे कितना हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 1, तो ये हो जाएगा बेटे आपका -3 - 2।
बेटे यहां से देखो टू बच रहा है, यहां से टू, क्योंकि फाइव में से थ्री गया टू, और टू माइनस टू जीरो, लेकिन टू बच गया। इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसका एक पॉलिनोमियल, ओ सॉरी, इसका एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी भी नहीं हो पाएगा इसका सॉल्यूशन। अब इसमें हम कौन सी वैल्यू रखते हैं, अगर हम फोर रख के चेक करते हैं, ठीक है, तो फोर अगर रखते हैं यहां पर, जैसे मान लो मैंने लिख दिया फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है। अब अगर हम फोर रख दें इसमें, तो फाइव फोर का होल क्यूब माइनस टू फोर का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू फोर माइनस टू, तो बेटे यहाँ कितना हो जाएगा, फोर फोर सिक्सटीन, फोर सिक्सटी फोर, ठीक है। सिक्सटी फोर और फाइव का कितना होगा बेटे, 320 माइनस फोर का स्क्वायर 16, 16 टू 32। तो बेटे यहां से भी सॉल्व करने पर हमें जीरो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर जो चारों ऑप्शन है बेटे, वो इन चारों ऑप्शन में कोई भी डिजिट इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकती है, इसके जीरोज नहीं हो सकते हैं। वैल्यू वही बेटा होगी, जीरोज इसकी बनेगी जिसको एक्स की जगह पर पुट करने पर हमें क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो वही वैल्यू जो है गिवन पॉलिनोमियल की या का जीरोस भी हो सकता है और उसका एक सोल्यूशन भी हो सकता है। सोल्यूशन बोलो चाहे जीरोस बोलो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन वो वाला करते हैं जिसमें हमें जीरोस फाइंड हो जाए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि जीरोस हमें कैसे फाइंड होते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं, ठीक है। चलो यहां तो भाई कोई भी जीरोस हमको नहीं मिला, हमें कोई भी जीरोस नहीं मिला, क्योंकि कहीं पे हमको जीरो नहीं मिला। जब जीरो मिल जाता तो हम कह देते भैया ये वैल्यू रखने पर हमको जीरो मिल गया है, ठीक है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी, गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरोस हो जाएगी, यानी कि उसका एक सॉल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, देखते हैं कुछ छोटा सा लेते हैं। जैसे आपको दे दिया है पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है, और आपको दो ऑप्शन दिए इस बार, और दूसरा आपको दे दिया है, कहा गया दो ऑप्शन आपके पास है, बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरो होगी। जीरो से काम करेगी मतलब कि उसको अगर एक्स की जगह पे रख दे तो हमें जीरो मिल जाए, मतलब गिवन पॉलिनोमियल के लिए वो वैल्यू एक सॉल्यूशन कवर करेगी, कि उसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखो दो तरीके से हम इसका फाइंड कर सकते हैं, क्या जीरो फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहली बात तो ये बताओ, ये पी एक्स देखो यहां पे काफी चीजें जानेंगे हम लोग, ठीक है। पहली चीज ये बताओ बेटे, ये पी एक्स का क्या मतलब, px का क्या मतलब है। देखो p फॉर पॉलिनोमियल और x क्या, x मतलब ये कि जो पॉलिनोमियल आगे लिखा है बेटे ना, ठीक है, इसका वेरिएबल क्या है x, x के फॉर्म में ये पॉलिनोमियल लिखा गया है, तो यहां पर हमने दिया px। अगर मान लो यहाँ 3z प्लस 1 लिखा होता, 3z प्लस 1 लिखा होता, तो हम यहाँ क्या लिखते बेटे, pz, क्या लिख देते, pz लिख देते। तो pz इज इक्वल टू 3z प्लस 1, मतलब जिस वेरिएबल के फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसी वेरिएबल को हम पॉलिनोमियल के साइन पी के साथ शो कर देते हैं, क्लियर है ना। जैसे मान लो अगर हम ऐसे लिखें, इसको हम ऐसे लिखना चाहें पी वाई इज इक्वल टू, तो आप कहोगे सर अब आप लिखोगे 3y+1, 3y+1, ठीक है। अच्छा ये 3x+1 जो लिखा हुआ है, ये बेटे अगर हम पूछें, ये बेटे अगर हम पूछे कि टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप बताओगे सर टर्म्स के अकॉर्डिंग तो ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछें कि पावर के अकॉर्डिंग कैसा है, पावर के अकॉर्डिंग मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग, तो बेटे डिग्री देखो मैक्सिमम पावर हम किसी देखते हैं, एक्स की मैक्सिमम पावर देखते हैं ना, और एक्स की मैक्सिमम पावर बेटे कितनी, वन। तो मैंने बताया था कि जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या डिग्री को हम बोलते हैं अगर वन है, तो वो पॉलिनोमियल कैसा होगा बेटे, लीनियर कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब देखो बेटे हमसे पूछा गया है कि ये दो वैल्यूज दी हैं, इसमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो पी एक्स 3x+1 के लिए एक सॉल्यूशन होगी या उसका एक जीरोस होगी। तो देखो बेटे दो तरीके, पहला तरीका क्या कि आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू किसकी जगह पे पुट कर दो, एक्स की वैल्यू आप पॉलिनोमियल में पुट कर दो वेरिएबल की जगह पर, अगर जीरो मिल गया तो वही पर्टिकुलर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, गिवन पॉलिनोमियल जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है उसका एक सॉल्यूशन या उसका जीरोस कहलाएगी। और लेकिन अगर हमें वैल्यू नहीं रखनी है तो हम पॉलिनोमियल को
जो पॉलिनोमी है, देखो वैल्यू रखने पे हमें जीरो मिलना चाहिए ना, तो हम करते क्या है कि पॉलिनोमियल जो गिवन है ना उसको डायरेक्ट आप जीरो के बराबर कर दो, और जीरो के बराबर करने के बाद एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, तो जो एक्स की वैल्यू वहां से आएगी वो हमारा उसका जीरो कहलाएगी। दोनों तरीके से हम करके दिखाते हैं। देखो जैसे पहले मैंने क्या किया, पहले हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने उठा लिया है भाई एक्स बराबर -2। अब हम -2 को रखने जा रहे हैं 3x+1 पे। कैसे रखेंगे बेटे, ध्यान से देखना। देखो पॉलिनोमियल जो हमको गिवन था, क्या गिवन था, px=3x+1, ये गिवन था ना। यहां देखो वेरिएबल x था, तो यहां पर भी मैंने x शो किया है, लेकिन अब हम x की वैल्यू पुट क्या करने जा रहे हैं, -1/2। तो हम जब x की जगह पे -1/2 रखने जा रहे हैं, तो यहां लिखेंगे p ब्रैकेट में -1/2 = 3 ब्रैकेट में -1/2 + 1, और उसको जब सॉल्व करेंगे बेटे तो -3/2 + 1, और सॉल्व करेंगे बेटे तो कितना आ जाएगा, -3+2/2 = -1/2। बेटे यहां तो हमको जीरो नहीं मिला, यहां तो हमको जीरो नहीं मिला। इसका मतलब जो x=-2 हमें कहा गया था कि ये इसका एक जीरो हो सकता है, जीरोस हो सकता है, इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, वो गलत है। ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, बिकॉज हमें सॉल्व करने पर x की जगह पर -1/2 रखने पर हमें जीरो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये x=-1/2 तो भाई इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब चलते एक और वैल्यू हमको दी गई है उसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या उससे मिलता है। चलो बेटे अब की जगह फिर से हम पॉलिनोमियल नोट करने जा रहे हैं, px = क्या दिया है बेटे, 3x+1 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम यहां पे ले लेते हैं p −1/3 = 3 × −1/3 + 1। देखो बेटे 3 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, -1 + 1, और ये भी कैंसिल हो गया। बेटे क्या मिल गया, जीरो मिल गया भाई, बधाई हो आपको, जीरो मिल चुका है यहां पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो -1/3 है, ये पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका एक सॉल्यूशन है, उसका एक सॉल्यूशन है, -1/3 इसका एक जीरोस कहलाएगा, इसका एक जीरोस कहलाएगा, बिकॉज x की वैल्यू पॉलिनोमियल पुट करने पर हमें मिल गया है जीरो, हमें मिल गया है जीरो। ठीक है, अब और कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका जीरोस, तो बेटा जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है ना, जो पॉलिनोमियल आपको दिया है ध्यान से देखना, जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है इसको आप जीरो के बराबर ऑलरेडी पहले से ही कर दो। क्या कर दो, पी एक्स की वैल्यू जीरो कर दो। अब पी एक्स की वैल्यू क्या थी, 3x+1 थी ना, जीरो के बराबर कर दिया है, यहां से 3x = कितना आ जाएगा बेटे, -1, देन x = -1/3। देखो बेटे वही चीज मिल गई ना, देखो -1/3 रखने पे हमको जीरो मिला, और जब मैंने पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर किया तो हमको -1/3 मिल गया। ठीक है, तो कभी कभी हमसे डायरेक्ट, मान लो आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मान लो आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सीधे कह दिया कि px = 3x+1 का एक जीरो बता दो, जीरोस फाइंड कर दो, इसका सॉल्यूशन बता दो, या एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप गिवन पॉलिनोमियल को किसके बराबर कर दोगे, जीरो के बराबर कर दोगे, और जीरो के बराबर करने के बाद, ट्रांसफर करने के बाद, वेरिएबल जो भी गिवन होगा एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी आपको जो दिया होगा, जिस फॉर्म में वेरिएबल, जिस फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल दिया होगा, वहां से आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लोगे, और जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन या जीरोस कहलाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग चलते हैं और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 में एक यही कंसेप्ट था कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। चलो तो बेटे हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। बेटे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल गिवन है बेटे, देखो 5x-4x²
3। ठीक है, अब हमें वैल्यू बतानी है इस पॉलिनोमियल की। सर वैल्यू कैसे बताएंगे? तो बेटे देखो यहां पर क्या है, हमें तीन पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है, पॉलिनोमियल तीनों पार्ट के लिए सेम है, बट हमें यह बताया गया है कि जो वेरिएबल आ रहा है ना पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। कभी एक्स की वैल्यू हम कुछ और रख रहे हैं, कभी एक्स की वैल्यू हम कुछ और रख रहे हैं। तो जब एक्स की वैल्यू यहां पर चेंज करेंगे तो मानी बात है कि जो इस पॉलिनोमियल की सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी डिफर होगी, वो भी चेंज होगी। तो बस हमसे यही पूछा गया है कि आपको इस पॉलिनोमियल के लिए तीन डिफरेंट वैल्यू दी गई है, मतलब एक्स की वैल्यू दी गई है, तीन डिफरेंट एक्स की वैल्यू दी गई है, और कहा गया है उन एक्स की डिफरेंट वैल्यूज को पॉलिनोमियल में रखकर हमें उन तीनों डिफरेंट वैल्यूज पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बता दो कितनी कितनी होगी। एक करके बताते हैं, अभी सब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आपको दे दिया है पहला कि अगर हम पॉलिनोमियल में आए हुए वेरिएबल एक्स की वैल्यू जीरो कर दें तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि एक्स इक्वल टू अगर हम माइनस वन कर दें तब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी। और तीसरा उन्होंने कह दिया है भैया कि अगर हम एक्स इक्वल टू टू कर दें तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। तो बेटे देखो क्या दिया हुआ है यहां पर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास है एक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो बेटे हमसे कहा गया x इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब x की वैल्यू यहां पर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी देखते हैं। यहां जीरो हो गया बेटा x की जगह पर, माइनस 4 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 3। तो बेटे देखो यहां से 5 0 जीरो कोई मतलब नहीं है, जीरो का स्क्वायर जीरो, 4 से जीरो से मल्टीप्लाई करो कोई मतलब नहीं है, बचेगा क्या बेटा केवल 3। यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू जीरो कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा बेटा, 3 मिल जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक्स की वैल्यू माइनस वन रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इसी का सेकेंड पार्ट, अब इसमें कहा गया है कि भैया x की वैल्यू माइनस वन रख दो, कोई बात नहीं रख दे रहे, लो माइनस वन, माइनस वन का होल स्क्वायर। तो बेटे देखो 5 1 -5, ठीक, माइनस वन का स्क्वायर 1, 1 4 4 और प्लस 3। तो बेटे देखो 5 4 9 माइनस का 9 और प्लस 3 बेटे माइनस का 6। तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल की वैल्यू तब माइनस 6 आ गई जब मैंने x की वैल्यू को माइनस 1 पुट किया है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि x की वैल्यू माइनस 1 पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करिए। कुछ नहीं करना है, जो वेरिएबल दिया है उसकी जगह पर वेरिएबल की वैल्यू रख दो और उसको सॉल्व कर दो। बॉडमास रूल आपको पता ही होगा, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा भी आंसर होगा। क्लियर है ना। चलो अब x इज इक्वल टू 2 की बात आती है, कोई दिक्कत नहीं है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू है 2 तो रख देंगे 2, लो रख दिया, 5 इंटू 2 2 का स्क्वायर बेटे प्लस 3। तो 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 जा 16 प्लस 3। देखो बेटे प्लस प्लस वाले नंबर 10 3 13 13 माइनस 16 माइनस 3। तो हमारे पास तीनों आंसर आ चुके हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली, 3। एक्स की वैल्यू माइनस वन रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली, माइनस 6। एक्स की वैल्यू 2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली, माइनस 3। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था बेटे, कौन सा था, फर्स्ट था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलो जल्दी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटे, 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड P0 P1 P2, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल।
ठीक है बेटे, अब आपको यहां पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक, पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल की वैल्यूज बतानी है, 0 पर 1 पर 2 पर, किस पे किस पे, 0 पे 1 पे 2 पे। तो एक क्वेश्चन देखो पहले सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझ आएगा। जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। अब देखो बेटे यहां पर सबसे पहले अगर हम ये पूछें कि ये टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप बताओ कि सर ये ट्राइनोमियल है, बिकॉज 1, 2, 3 टर्म्स हैं। अगर हम पूछे बेटे पावर के अकॉर्डिंग ये कैसा पॉलिनोमियल है, डिग्री के अकॉर्डिंग कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप बताओ कि सर कि यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये मैंने पहले बता भी चुका हूं मैं आपको। अब देखो बेटे यहाँ पी वाई लिखा है, इसका मतलब देख रहे हो ना कि P फॉर पॉलिनोमियल, y क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो y के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर यहाँ z होता तो हम यहाँ z लिखते, अगर यहाँ 2 होता तो हम यहाँ 2 रख देते, अगर यहाँ 6 होता तो हम यहाँ 6 रख देते, यहाँ अगर कुछ होता तो हम यहाँ कुछ रख देते। ठीक है ना, जो यहाँ पर होगा वही चीज हम यहाँ पर रखेंगे। अब हमसे देखो इस पॉलिनोमियल के लिए P0, P1, P2 की वैल्यू पूछी गई है। हमने बताया ना जो यहाँ होगा वो यहाँ रख देंगे, तो भाई P0 की चाहिए, तो भाई Y की जगह पे क्या आ गया है, 0 आ गया है, तो हम भी Y की जगह पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और हमारा पहला आंसर आ गया 1। बहुत टफ है, बहुत टफ है, ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, आगे देख लो। देखो अब Y की वैल्यू क्या कर दी, अब Y की वैल्यू क्या कर दी, 1। तो भैया हम यहां पर भी क्या कर देंगे, 1, y की जगह पर 1 का स्क्वायर, फिर केवल y की जगह पर 1, तो भैया फिर 1, और देखो 1 1 क्या हो गया, कैंसिल, और भैया 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। क्लियर है ना। अब देखो भैया ने कहा अच्छा ठीक है y की वैल्यू 2 कर दे रहे हैं, अब करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू 2 कर दी है ना, जहां जहां y है वहां वहां 2, ये कर दिया मैंने। तो देखो बेटे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 4 में से 2 गया, 2 प्लस 1 3। क्लियर हो गया ना, तो ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है चलो एक और देखते, एक और देखते हैं। अब की पॉलिनोमियल ले रहे हैं हम पी टी, क्या ले रहे हैं, पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब देखो ध्यान से यहां फिर वही बात आ गई, लिखा है पीटी, मतलब पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है वो टी के फॉर्म में लिखा है, वेरिएबल टी के फॉर्म में लिखा हुआ है, देख लो आप दिख भी रहा होगा। अब इन्होंने क्या कह दिया है, अब इन्होंने क्या कह दिया कि हमें बता दो भैया पी 0 की वैल्यू, पी 1 की वैल्यू, पी 2 की वैल्यू। ठीक है, तो जहां जहां पर टी है वहां वहां पर पहले हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो 2 टी 2 प्लस है ना, 2 प्लस टी, टी कर दिया 0, फिर 2 2 लिख दिया, फिर टी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर कर दिया, फिर टी क्यूब, लो 0 का क्यूब भी कर दिया। ठीक है, तो आंसर बेटे कितना आएगा, 2 0, कोई मतलब नहीं, यहां भी 0 यहां भी 0, बचा क्या 2। कितना टफ क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अब की कह दिया है 1 रख दो भाई, कोई बात नहीं, टी की जगह पे 1 1 रख दे रहे, 2 प्लस 1 प्लस 2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, देखो 2 1 3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 2 2 होता है, और 2 1 3 होता है, और 3 2 5 होता है, और 5 में से 1 का क्यूब मतलब 1 होता है, तो 5 में से 1 गया तो 4 होता है। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। 2 अब हम रखेंगे टी की जगह पे 2, टी की जगह पे 2, तो यहां रखा 2 तो यहां भी रख दो 2, यहां रख दो 2 क्यों, क्योंकि टी की वैल्यू 2 रखनी है, प्लस 2 और फिर 2 का स्क्वायर और फिर माइनस 2 का क्यूब। अब देखो बेटे 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, कितना हो गया 4। अब यहां देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यहां तो 8 आ रहा है, और यहां देखो 2 का क्यूब ये भी 8 होता है, मतलब क्या कि ये तो हमारे पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, 2 2 4। कितना टफ क्वेश्चन था ना, हो गया ना कंप्लीट, हो गया है। चलो आगे अगला एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट करते हैं पहले ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट।
देखो बेटा फोर्थ पार्ट क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये दिया है बेटे आपको, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटे, इसको हम ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, हम लोग ने रूल पढ़ा था क्या, फॉर्मूला पढ़ा था, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू बेटे क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता ही है ना बेटे। तो हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, हो जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि अगर देखा जाए तो जो हमें क्वेश्चन दिया था उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें क्या क्या निकालना है बेटे, हमें निकालना है पी जीरो पी वन पी टू, यही निकालना है बेटे, ठीक है ना, पी जीरो पी वन पी टू। तो देखो बेटे पी जीरो, अब x की जगह पे रख दो जीरो, तो जीरो 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 तो बचेगा क्या, माइनस वन। पी वन, वन रख दो x की जगह पे, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, वन माइनस वन कट गया, कितना आंसर आया, जीरो। पी टू रख दो बेटे, टू का स्क्वायर माइनस वन, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। देखो कितना टफ क्वेश्चन है बेटे ना, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, देखिए बहुत ध्यान से। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी का आखिरी पार्ट है, टू का थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ डिस्कस कर चुके हैं, टू का थर्ड बहुत टफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बहुत ही टफ है, टू का थर्ड पार्ट देख लो। लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, बेटा ये कैसा पॉलिनोमियल है बताओ, कैसा पॉलिनोमियल, सर ये मोनोमियल है, एक ही टर्म में लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, बट ऑन द बेसिस ऑफ पावर दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर 3 है, ठीक। अब हमें देखो फिर से वही चाहिए क्या, पी जीरो पी वन पी टू, देख के आंसर बता सकते हो बेटे, जीरो रखोगे एक्स जगह पे जीरो ही मिलेगा, वन रखोगे वन ही मिलेगा, टू रखोगे एट मिलेगा, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन हम डिस्कस किए, ठीक। चलो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, क्वेश्चन नंबर थ्री पे, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखो बेटे अब जो अगला क्वेश्चन है ना, अगले क्वेश्चन में है ये कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और साथ ही साथ एक्स की एक वैल्यू दी जाएगी, और पूछा ये जाएगा क्या जो एक्स की वैल्यू आपको गिवन है क्या वो गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरोस है, मतलब एक सॉल्यूशन है, मतलब उसको रखने पर पॉलिनोमियल में हमें जीरो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो पहले क्या है, क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, ये लिखा है थ्री एक्स प्लस वन पी एक्स इक्वल टू दिया बेटा, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, और आपको दे रखा है x की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब ये पूछा गया है क्या ये x की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं, वेरीफाई करिए, ठीक है, वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो x की वैल्यू है ना उसी को उठा के पॉलिनोमियल में x की जगह पे पुट कर दो, और पुट करने के बाद अगर जीरो मिल गया तो मतलब जो x की वैल्यू गिवन है वो इसका एक जीरोज होगी, वो इसका एक सॉल्यूशन होगी, ठीक है। तो चलो हम लोग पुट करते हैं, पुट वैल्यू x इक्वल टू माइनस थ्री माइनस वन बाय थ्री इन पी एक्स, पी एक्स में हम रखने जा रहे हैं x की वैल्यू माइनस थ्री। अब हमें दिया है पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, तो पी x की वैल्यू रखनी है हमें माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री रखा मैंने, देखो बेटे एक्स जगह पे रख दिया, प्लस वन थ्री थ्री कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, मिल गया जीरो, मिल गया ना जीरो, इसका मतलब क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज अ जीरोस ऑफ गिवेन पॉली नॉमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल आपका ये हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने पर हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया, दैट्स व्हाई गिवन वैल्यू इज द
सॉल्यूशन और जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? क्लियर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, करने जा रहे थर्ड का सेवेंथ पार्ट। सारे क्वेश्चन बताएंगे बेटे, ठीक है, परेशान ना होना। सारे क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देंगे, सारे क्वेश्चन बताएंगे। पहले फिलहाल हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। पी एक्स इक्वल टू 3x² - 1, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1, वेयर एक्स इज इक्वल टू -1/√3, √2/√3। अब की बेटे यहां दो वैल्यूज दे दी गई हैं और चेक करना है क्या दोनों वैल्यूज इसका सॉल्यूशन होंगी, क्या दोनों वैल्यूज इसके जीरोस होंगे, क्या दोनों वैल्यूज को एक्स की जगह पे रखने पर हमें जीरो मिलेगा। चलो देखते हैं। तो हमको पी एक्स इक्वल टू ये दे रखा है पॉलिनोमियल। अब हम पी एक्स की जगह पर -1/√3 रखने जा रहे हैं, -1/√3 रखने जा रहे हैं। तो 3 -1/√3² - 1 सॉल्व कर लेते हैं। 3 × -1² 1 ही हो जाएगा, √3² 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 आ जाएगा, 1 1 फिर कैंसिल हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। पहले में तो भाई 0 मिल गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, एक्स की जगह पर 2/√3 कर लेते हैं। 3 2/√3² - 1 3 लिख देंगे, इंटू लगा देंगे, 2² 4 लिख देंगे, √3² 3 लिख देंगे, -1 लिख देंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 1 = 3। तो आप यहां देख रहे हो बेटे, क्या देख रहे हो कि x की वैल्यू जब मैंने -1/√3 रखी, हमें 0 मिल गया। मतलब क्या होगा, -1/3 गिवन पॉलिनोमियल के लिए एक जीरोस होगा, बट 2/3 रखने पर हमें 0 नहीं मिला। 0 नहीं मिला इसका मतलब 2/3 इसका एक जीरो या इसका एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे बेटे नीचे, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/√3 इज द सॉल्यूशन और जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, बट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ सॉल्यूशन और जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। 2/√3 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका जीरोस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, मैंने यह वेरीफाई कर दिया है, बिकॉज एक्स की वैल्यू 2/√3 रखने पर हमें 0 नहीं मिल रहा है। That's why this is not a solution of this polynomial. ठीक है, ये क्लियर हो गया। बट इसका सोल्यूशन -1/√3 होगा, बिकॉज -1/√3 रखने पर हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, तो बेटे आज यही तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक क्वेश्चंस को लगाते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।